दोस्तों, अगर आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर से जीएसटीआर 1 की रिटर्न को एक्सपोर्ट कर रहे हो और आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का जो रिलीज है वो 4.1 यूज कर रहे हो, तो ये आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को बताएंगे जब हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का 4.1 रिलीज यूज करते हैं और उससे जब हम जीएसटीआर 1 की रिटर्न को एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे वो रिटर्न आपकी क्वार्टरली हो चाहे वो मंथली हो, तो जब हम फर्स्ट टाइम हमारी रिटर्न को एक्सपोर्ट कर देते हैं यानी कि हम एक्सेल फाइल जनरेट कर लेते हैं और उसके बाद हमें पता चलता है कि हमारे सेल वाउचर के अंदर कुछ हमें चेंजिंग करनी है, जैसा कि वाउचर के अंदर हमें कोई अमाउंट के अंदर कोई चेंजिंग करनी है, कोई वाउचर कैंसिल करना है या कोई वाउचर हमें डिलीट करना है, लेकिन सब कुछ हमने चेंज कर दिया और हम क्या करते हैं, जो पहले वाली हमारी फाइल एक्सपोर्ट हमने कर रखी एक्सेल की उसको अपने डिलीट कर देते हैं और उसके बाद अपने क्या करते हैं, एक नई फाइल को एक्सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन जब अपने दोबारा एक्सेल फाइल तैयार कर रहे हैं, जब दोबारा एक्सपोर्ट कर रहे हैं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर से, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, जो आपने डाटा चेंज किया है वही डाटा एक्सपोर्ट होगा, पूरा डाटा आपका उस फाइल में नहीं जा रहा है। तो आप लोगों को जब आप एक्सेल के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हो आप फाइल को, तो आपको वो सारी बातें ध्यान में रखना है, आपको टोटल अपना सेल का डाटा वेरीफाई जरूर कर लेना है, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती आपका कंपनी का जो रिकॉर्ड है वो गलत अपलोड हो सकता है जीएसटी के पोर्टल पे। तो आपको कौन कौन सी ऐसी सावधानी है जो आपको जीएसटीआर 1 की रिटर्न को टेली प्राइम सॉफ्टवेयर से और विशेषकर 4.1 के रिलीज से एक्सपोर्ट करते वक्त ध्यान में रखनी जरूरी है, तो ये सारी बातें आज के इस वीडियो के अंदर आपको मैं टेली सॉफ्टवेयर के अंदर प्रैक्टिकल करके बताने वाला भी हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है स्मार्ट कंप्यूटर रायसनगर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना और वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, टेली सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने 2 वाउचर की एंट्री कर रखी है, एक मेरे पास परचेज है और एक सेल एंट्री है, ठीक है। ABC से मैंने परचेज किया और ABC ट्रेडर्स को मैंने सेल किया हुआ है। अब हमारा ये सेल का डाटा है और डाटा आप देख सकते हो ये है 6 जून 2024 का, यानी कि ये फर्स्ट क्वार्टर का सेल है। तो अब अपने एक बार जीएसटी रिटर्न को देखते हैं और रिटर्न पे अपने चलने के लिए आप अलग अलग ऑप्शन है, आप डिस्प्ले पे भी जाके, स्टेटरी रिपोर्ट पे जाके, जीएसटी रिपोर्ट पे जाके, GSTR1 पे भी जा सकते हो, अदरवाइज आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो, Alt+G आपको यूज़ करना है और यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो GSTR1, तो डायरेक्टली आप GSTR1 के पोर्टल पे चले जाओगे। और यहाँ देखो हमारा जब हमने स्टेटस हमारा क्वार्टरली दिया हुआ, तो 1 अप्रैल 2024 से लेकर 30 जून 2024 तक का हमारे पास पीरियड आ चुके हैं, ठीक है। और ये आपको एंट्री में केवल एक डेमो दिखा रहा हूँ, ये कोई ओरिजिनल रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखो कि हमने एक एंट्री करी थी, वो हमारा B2B के अंदर ट्रांजेक्शन भी आ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब अपने इस फाइल को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट पर जाने के लिए आप Alt+U करोगे, GST रिटर्न पर अपने चलेंगे और यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा एक्सपोर्ट का, ठीक है, हमने एक्सपोर्ट कर दिया। और उसके बाद आप यहाँ से चाहो तो अपने पाथ और इसका फाइल का फॉर्मेट वो भी आप चेंज कर सकते हो, जैसा कि मैं एक्सेल में कर रहा हूँ। अगर आपको फाइल फॉर्मेट चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हो, JSON करना है, CSV करना है, जो भी आपको यूज़ करना है कर सकते हो। तो मैं एक्सेल यूज़ कर रहा हूँ और ये मेरा पाथ रहेगा, इसको मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। और इसको अब यहाँ एक देखोगे वार्निंग आ रही है, 1 of the more selection transaction कैन नॉट बी एक्सपोर्टेड स्प्रेडशीट फॉर्मेट, यू आर मार्क डिलीटेड द पोर्टल, कंटिन्यू एक्सपोर्ट अदर ट्रांजेक्शन, आप इसको यस कर दोगे। अब जैसे आपने यस किया, ये हमारी एक्सेल के अंदर फाइल है जो एक्सपोर्ट हो रही है, ठीक है। एक्सपोर्ट होने के बाद ये हमारी फाइल यहाँ पर एक्सपोर्ट हो चुकी है, इसको अपने एक बार ओपन करके देखते हैं, ठीक है। अब वाउचर आप देखोगे यहाँ पे 1-to-1 आ रहे हैं, इनके टोटल एक ही वाउचर है और एक ही हमारे पास सेल की ट्रांजेक्शन थी। और वापस एक बार अपने B2B की सेल देख लेते हैं यहाँ पर, और एक ही हमारी रेगुलर B2B की सेल आ रही है 620 की, यानी कि यहाँ तक हमारा बिल्कुल डाटा ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको अपने क्लोज कर दिया। अब मान लीजिए आपने टेली सॉफ्टवेयर के अंदर एक वाउचर की एंट्री और कर दी, अपने वाउचर पे चलते हैं और मान लीजिए मैंने एक 6 जून के अंदर एक 2 नंबर वाउचर में एक यूज़ कर लेता हूँ, केस वाउचर यूज़ करता हूँ, प्रोडक्ट का मैंने नाम लिख दिया, क्वांटिटी डाल दी, रेट डाल दिया और उसके बाद में सिंपल अब जो टैक्स लगाते हैं उस तरीके से मैंने टैक्स लगा दिया, यानी कि सिंपल सेल वाउचर की मैंने एक एंट्री और कर दी, ठीक है। अब मैंने एंट्री और कर दी, अब अपने GSTR1 की रिपोर्ट को दोबारा देखते हैं, Alt+G यूज़ करेंगे, GSTR1
और जैसे मैंने GSTR1 के रिटर्न को किया, आप देखोगे वो जो दूसरी ट्रांजेक्शन थी वो मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है। एक पहले ऑलरेडी वाउचर था और दूसरा मेरे पास में ₹310 का ये B2C के अंदर आ गया, क्योंकि मैंने ये केस की सेल करी है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है भी आपकी यहाँ पर जो अनसर्टेन ट्रांजेक्शन हैं वो आपकी यहाँ पर जीरो होनी चाहिए और ये जीरो भी आ रही है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को दोबारा एक्सपोर्ट करता हूँ। मान लीजिए इस फाइल को मैं वापस, पहले वाली फाइल है जो मेरी, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। अब मैंने ये सोचा भी ये फाइल मेरे कोई काम की नहीं है और मैं इसको मैंने कर दिया डिलीट। ठीक है, अब मैं सोचता हूँ ये मेरा डाटा अपडेट हो गया, अब मेरी यहाँ पर सेल भी मेरी अपडेट हो गई है, ये वाउचर मेरे को एंट्री करनी थी मैंने कर दी। अब मैं वापस इसको LE यूज़ करता हूँ, यानी कि एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर जा सकते हो, GST रिटर्न, और उसके बाद में अब यहाँ पर देखोगे क्या आ रहा है, टैक्सेबल वैल्यू कितनी आ रही है ₹310 की। ठीक है, और अगर आप टेली सॉफ्टवेयर में देखोगे तो कितना आ रहा है ₹930 का। यानी कि जब मैं इसको दोबारा री एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये जो मैंने बाद में जो एंट्री करी है केवल वही एंट्री जा रही है, यहाँ तक कि मेरे पास में B2C की भी सेल है ये ₹620 की एंट्री मेरी एक्सपोर्ट नहीं हो रही है। आप दोबारा देखोगे GST रिटर्न पे मैं जाता हूँ तो आप यहाँ देख रहे हो क्या आ रहा है ₹310 की। तो आप क्या देखोगे भी फटाफट मैंने इसका डाटा अपडेट कर दिया और मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। मैंने भी इसको एक्सपोर्ट कर दिया जल्दबाजी में, मैंने इस चीज़ पे ध्यान भी नहीं दिया भी मेरा जो ओरिजिनल डाटा वो नहीं जा रहा है, जो मैंने बाद में चेंजिंग करी है वो डाटा जा रहा है। अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, अब यहाँ आप वाउचर देखोगे भी from 1 to 2, यानी कि ये दो वाउचर तो आपको दिखा रहा है भी दो वाउचर आपने यूज़ किए हैं, लेकिन जो हमारी B2B की जो सेल थी, अब यहाँ देखो जो हमारी B2B की जो सेल थी वो कुछ भी नहीं है, और B2C की जो हमारी सेल है, ये हमारी B2C की जो सेल है ₹310 की, वो केवल आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा टोटल जितनी सेल थी, जितनी एक्सपोर्ट होनी थी, वो एक्सपोर्ट सेकेंड टाइम में री एक्सपोर्ट करते वक्त नहीं हुई है, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अब हमें इसका करना क्या है, ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, जब वापस आप एक्सपोर्ट करोगे, वापस अपने GSTR1 पे आ गए, एक्सपोर्ट पे मैं गया, GST रिटर्न पे जा रहा हूँ, तो अब यहाँ पर देखो कोई डाटा भी नहीं शो रहा है मेरे पास में। यहाँ क्या ऑप्शन आ रहा है, पेंडिंग टू एक्सपोर्ट वाउचर काउंट 0, समरी काउंट 0, कुछ भी डाटा नहीं आ रहा है, जबकि यहाँ पर डाटा अगर देखें तो डाटा मेरे पास है। तो इस टाइप की अगर आपको लोगों को समस्या आ रही है तो आपको करना यहाँ पर क्या है, एक ऑप्शन यहाँ पर साइड में आपको दिखाई देगा बेसिक ऑफ वैल्यूज, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पर करना कब, आपको एक्सपोर्ट पे जाओगे, GST रिटर्न पे जाओगे, और अब आपको यहाँ पे बेसिक ऑफ वैल्यू पे क्लिक करना है, क्योंकि अभी यहाँ पर डाटा तो आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बेसिक ऑफ वैल्यू पे आपको जाना है। और उसके बाद में ये फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, इंक्लूड ट्रांजेक्शन वेयर नो एक्शन इज रिक्वायर्ड, ये नो रहेगा आपके पास में तो इसको आपको यस कर देना है। यस करने के लिए आप इंटर बटन प्रेस करोगे, Ctrl+A बटन आपको प्रेस कर देना है। तो अब यहाँ आप देखोगे ₹620 और ₹310 दोनों की सेल आ रही है। ठीक है, और यहाँ पर भी आप क्या करोगे, पेंडिंग एक्सपोर्ट count 1 समरी count 3, यहाँ पर आपकी ABC ट्रेडर्स की और राजस्थान 5% की सेल है वो भी आ रही है। अब मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ, मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट ये हमारी फाइल हो रही है और ये ऑटोमेटिक तैयार होगी। मैंने इस फाइल को ओपन किया, ओपन करने के बाद वाउचर नंबर आप देखोगे डॉक्यूमेंट समरी के अंदर तो दो वाउचर आ रहे हैं, और वापस अपने एक बार B2B और B2C को एक बार अपने चेक कर लेते हैं। यहाँ B2B की देखोगे तो B2B की सेल ₹620 वापस आ चुकी है, और B2C की एस की देखें तो ये ₹310 B2C एस की भी आ चुकी है, यानी कि अब ये हमारा डाटा बिल्कुल अपडेट हो गया। अब मान लीजिए हमने इस फाइल को एक बार हमने डिलीट कर दिया और वापस मैं मिनिमाइज करता हूँ, लेकिन अब मान लीजिए मेरे पास ये जो ₹310 की जो सेल है, मान लीजिए ये मेरे पास में गलत वाउचर की एंट्री हुई है, मेरे को इसको डिलीट करना है, तो मैं क्या करूँगा, वापस चाहिए तो आप वहीं से भी डिलीट कर सकते हो, नहीं तो मैं डे बुक पे भी आके इस दो नंबर वाउचर को यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ, LTD किया, यस कर दिया, तो ये मेरा वाउचर डिलीट हो गया। अब मेरे पास केवल सिंगल एक सेल वाउचर रह गई है, आप चाहो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी देख सकते हो ₹620 की एक सिंगल एंट्री है। वापस मैं GSTR1 पे जाता हूँ, जैसे मैं GSTR1 पे गया, ठीक है, तो अब यहाँ पर इसने क्या किया है, एक मेरे को
मार्क दिखा दिया, ये मार्क फॉर डिलीशन ऑन पोर्टल, यानी कि एक एंट्री आपने कुछ ना कुछ इसके अंदर चेंजिंग करी है, डिलीट करी है, हालांकि ये आपका जो मार्क है ये आपके जीएसटी की रिटर्न के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ये आपको ध्यान में रखना है, लेकिन यहाँ पर जो हमारी अनसर्टेन ट्रांजेक्शन है वो जीरो रहनी चाहिए। अब मान लीजिए इस फाइल को मैं वापस एक्सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं एक्सपोर्ट करूँगा तो अब यहाँ क्या दिखा रहा है मेरे को वापस, पेंडिंग वाउचर काउंट जीरो, समरी काउंट थ्री, और राजस्थान 5% की जो एंट्री है वो मैंने यहाँ से डिलीट कर दी है, एचएस समरी, डॉक्यूमेंट समरी, तो ये मेरे को यहाँ से डिलीट करा हुआ दिखा रहा है। लेकिन अब मैं एक्सपोर्ट करूँगा इसको तो एक्सपोर्ट में डाटा कुछ भी नहीं जाएगा। बेसिक ऑफ वैल्यू पे क्लिक करोगे, यस पे क्लिक करोगे, कंट्रोल ए कर दोगे तो वहाँ अब क्या होगा कि केवल आपकी जो एक सिंगल ट्रांजेक्शन थी बी टू बी की वो यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे अब ये करना कब है, बेसिक ऑफ वैल्यू पे जाके और जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है इसको आपको यस कर देना है, तो ही आपको ये सारी, अभी जो हमारे पास वाउचर काउंट जीरो आ रहा था अब ये एक हो गया है और एक हमारे पास में वाउचर है, ठीक है। लेकिन अब ये जो ऑप्शन यहाँ पर दिखा रहा था ना, अभी एक्सपोर्ट पे चलते हैं, जी रिटर्न पे चलते हैं और बेसिक वाउचर पे एंटर कंट्रोल ए, ठीक है। और अब ये जो आ रहा है राजस्थान 5% डिलीट, ये जो एंट्री हमने डिलीट करी है अभी, इसका आपके जीएसटी रिटर्न के ऊपर कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, तो ये आपको विशेष ध्यान में रखना है। अगर आपने कोई भी डाटा चेंजिंग करी है, ठीक है, या कोई डिलीट किया है, मॉडिफाई किया है, तो आपको एंट्री को री एक्सपोर्ट करने से पहले आपको ये सारी ट्रांजेक्शन यस जरूर कर लेनी है, और एक बार आपने इस टोटल टैक्सेबल अमाउंट को अपने इस टैक्सेबल अमाउंट के साथ में वेरीफाई आप लोगों को जरूर करना है, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती अगर आपने नहीं देखा तो आपका गलत डाटा पोर्टल पे अपलोड हो सकता है। तो अगर आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का शेयर भी जरूर कर देना, और आज की इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।